कौन से कम कर दिए उन्होंने, वो तो हम ही से लेके हम ही को कम कर दिए। नेता हैं ये सिर्फ बोलते हैं, ये लेना जानते हैं देना नहीं जानते। महंगाई कभी नहीं खत्म हुई, महंगाई कहाँ खत्म हुई? 500 का सिलेंडर था, 1000 का रह गया, कहाँ महंगाई खत्म हो? अब तो 200 कम कर दिए भाई। तो कम कर दिए, फिर आगे बढ़ा देंगे 500 रुपए। मतलब आगे कब बढ़ा देंगे, ये क्या है? ये तो बढ़ते ही तो रहा है, आप घटाया है तो फिर बढ़ा देंगे आगे चल के। चुनाव के बाद अभी ये 200 जो कम हुए, अभी ये 1200 के 2800 होंगे ना, जैसे अभी सब कुछ बढ़ेंगे, अभी ये सब कुछ इतना बढ़ेगा कि घर में रहना ही मुश्किल हो जाएगा, घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, बीवी बच्चों को पालना मुश्किल हो जाएगा। चुनाव के बाद ये पैसे फिर बढ़ जाएंगे, फिर सरकार बढ़ा देगी पैसे। भाई अपना काम था उन्होंने कम कर दिया, अपना जब काम हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा, फिर भाई बढ़ जाएंगे पैसे। तो 200 कम कर दी, जब 400 में 500 था तब छाती पीट पीट के चीख रही थी, तब तो साय में लुट गई। आज जब 500 से 1150 हुए थे तब वो नहीं लुटी थी, तब उनका सारा मामला बच गया था ना, सारे पैसे उनके बचे हुए थे ना। अब 200 कम करने में कौन सा फायदा कर दिया, 500 से आज भी तो 1150 देने ही पड़ रहा है ना। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। और जिस तरह से विपक्ष यानी कि इंडिया लगातार गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है वो मीटिंगें कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस मीटिंग का असर अब भाजपा के खेमे पर साफ नजर आने लगा है। 2024 लोकसभा चुनाव है और इसी बीच, क्योंकि अब ज़्यादा समय तो बचा नहीं है, और शायद मैं ये कह लूँ कि जिस तरह से विपक्ष बार बार मीटिंगें कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भाजपा तिलमिला गई है। और इसी चलते भाजपा के अनुराग ठाकुर जो है बयान देते हैं, जिसमें 200 रुपये गैस के, हर गैस पे सिलेंडर पर छूट मिलेगी, 200 रुपये गैस सिलेंडर पे छूट मिलेगी। उनके इस बयान के बाद भाजपा नेता जो है ट्वीट करने लगे, प्रशंसा करने लगे, तारीफों के पुल बांधने लगे। जनता इसको कैसे देख रही है, क्योंकि 2024 बहुत करीब है और जो विपक्षी बैठकें हैं, कहीं ये इसका खौफ तो नहीं, विपक्षी बैठक और बार बार विपक्ष जिस तरह से बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, तो कहीं इसी के चलते 2024 से पहले ये कोई भाजपा का स्टंट तो नहीं है? लोगों से बात करेंगे, क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद शकील अली। शकील अली, जिस तरह से भाजपा के राज्य में आप लोग बार बार ये गुहार लगा रहे थे कि महंगाई बढ़ रही है, 200 रुपये गैस सिलेंडर पे कम हो गए, महंगाई कम हो रही है, अभी और चीज़ें भी कम होंगी, अगर चुनाव आ रहे हैं इसलिए चीज़ें और कम होंगी। अच्छा, अभी और कम? जी हाँ, तब कुछ अभी सरकार अपनी बनानी है तो कुछ चीज़ें और कम करेंगे, तभी वोट मिलेगा। चुनाव के बाद अभी ये 200 जो कम हुए, अभी ये 1200 के 2800 होंगे ना, जैसे अभी सब कुछ बढ़ेंगे, अभी ये सब कुछ इतना बढ़ेगा कि घर में रहना ही मुश्किल हो जाएगा, घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, बीवी बच्चों को पालना मुश्किल हो जाएगा। तभी तो आदमी देश छोड़ के भाग रहा है। मेरी बहन, आप बताइए, इतनी महंगाई ना हो तो हमारा इंडिया का यूथ जो है 80% बाहर जाके क्यों काम करे, बताइए। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, आपकी आवाज देश विदेश सब मारा, हमको नहीं मिला, हमने सारे पेपर भर दिए, सारी चीजें, सारे पेपर भर दिए, सब कुछ भरने के बाद हमको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी सब कूड़ा है। अब गैस के दाम सिलेंडर कम हो गए हैं, मेरी बहन, सिलेंडर कम हुए हैं तो उससे पैसे कहाँ कम हुए भैया? माना कि कम हुआ है तो क्या बड़े नहीं? अच्छा ये बताइए, आपने 600 रुपए का कम, पहले कितने का था? 400 कुछ के आसपास था, अब 1200 कर दिया तो उसमें 200 रुपए कम कर दिए तो क्या फायदा? आप ही लोग तो कहते हैं, स्मृति ईरानी जी अब नहीं बोल रही, अब 200 कम कर दी, तो 200 कम कर दी, जब 400 में 500 था तब छाती पीट पीट के चीख रही थी, तब तो साय में लुट गई। आज जब 500 से 1150 हुए थे तब वो नहीं लुटी थी, तब उनका सारा मामला बच गया था ना, सारे पैसे उनके बचे हुए थे ना। अब 200 कम करने में कौन सा फायदा कर दिया, 500 से आज भी तो 1150 देने ही पड़ रहा है ना। चुनाव के बाद ये पैसे फिर बढ़ जाएंगे, फिर सरकार बढ़ा देगी पैसे। भाई अपना काम था उन्होंने कम कर दिया, अपना जब काम हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा, फिर भाई बढ़ जाएंगे पैसे। मतलब लोगों का ये मानना है कि अभी उन्होंने जिस तरह से पैसे बढ़ाए हैं, अभी चुनाव हो जाए उसके बाद जनता डरी हुई है भाई, बहुत खौफ में, तो इंडिया का गठबंधन की तरफ जाएंगे या एनडीए की तरफ जाएंगे? नहीं, वोट और जो कारोबार, हम लोग रोज के कारोबार वाले आदमी हैं, यहाँ जितने भी हमारे लोग खड़े हैं सब रोज कारोबार, गड्ढा खोदो पानी पियो, हमको 500-1000 रुपए जब पैदा करेंगे तो अपने घर जाके बीवी बच्चे पालेंगे, हमको वो कमाना भारी पड़ रहा है।
इतनी महंगाई कर दिया है कि हम अच्छा, क्या कभी और अभी किसी और सरकार में इतनी महंगाई थी? नहीं, कांग्रेस में नहीं महंगाई थी, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस में महंगाई 500 नोट, उस समय सब्जी खरीदने 500 नोट निकलता था, आज तो 500 नोट देखने को नहीं मिलता। कहाँ है 500 नोट? और बरकत भी नहीं है नोटों के अंदर, अच्छी बात है, कम कर दिया। आप खुश हैं? महंगाई खत्म हो गई? महंगाई कभी नहीं खत्म हुई, महंगाई कहाँ खत्म हुई? 500 का सिलेंडर था, 1000 का रह गया, कहाँ महंगाई खत्म हो गई? अब तो 200 कम कर दिए भाई। तो कम कर दिया, फिर आगे बढ़ा देंगे 500 रुपए? मतलब आगे कब बढ़ा देंगे, ये क्या? ये तो बढ़ते ही तो रहा है, आप घटाया है तो फिर बढ़ा देंगे आगे चल के, बस फिर बढ़ा देंगे, तो महंगाई कहाँ कम। राशिद ये बताइए, जो LPG के दाम कम हुए, गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए घट गए हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? आप लोग चिल्ला रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, उधर विपक्ष सवाल उठा रहा था महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, 200 रुपए कम कर दिए। कौन से कम कर दिए उन्होंने, वो तो हम ही से लेके हम ही को कम कर दिए। पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं है? और सिलेंडर ये देख लीजिए, हम लोग काम फुटपाथ पे आ गए हैं, दुकान बंद करके जो चीज़ 600 की बेच रहे थे आज 300-250 की बेच रहे हैं। ये हाल है यार, आदमी का पोजीशन ये हाल हो गई है। अच्छा, अभी बढ़ी हुई है महंगाई, बढ़ी हुई बिल्कुल, लेकिन अभी दावा कर रहे हैं भाजपा सरकार के भी और कम करेंगे, अभी और गुंजाइश है कम करने की महंगाई? अरे इलेक्शन है, अभी सब नेता हैं, ये सिर्फ बोलते हैं, ये लेना जानते हैं देना नहीं जानते। मीडिया को दिखाना है, अरे पब्लिक को दिखाना है, ये महंगाई के बारे में सस्ती कर दिया, बढ़ा दिया, घटा दिया। 12 रुपए किलो का आटा आज 35-36 रुपए में आटा खरीद रहे हैं, तो अनाज भी तो फ्री दे दिया ना, तो कहाँ फ्री मिल रहा है, किसको मिल रहा है, किसको मिला, पैसा मिल रहा है, किसको मिल रहा है? मोदी जी कह रहे हैं हमारे भाई सबके लोगों को, गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा, हमारे भाई लोग बैठे किसी को अनाज फ्री नहीं मिल रहा, मिला नहीं मिला, झूठ क्या बोले? देखे देखे, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं झूठ क्यों बोलूं, हमें एक मिनट, अरे भाई एक को बांटा 100 को डाटा काट दिया, 100 को नहीं मिला, आपको मिला? नहीं मिला। क्या नाम क्या आपका? आबिर। आपको भी नहीं मिला अनाज? गैस सिलेंडर तो सस्ती कर दी, अब तो खुश हो जाइए, हो गए 1200 का करके 1000 तो कमा लेंगे, इससे दुगना तो कमा लेंगे। अच्छा, मैंने कैसे कमा कर दिया 200 रुपए? अरे वसूल सरकार है भैया, सरकार चला रही, इतने तो मेहनत लगती है। चीज बताइए, ये तो दिखाना है खाली, कम कराना। अच्छा, जनता जो है ये सब जान चुके हैं भाई, ये जनता है सब जानती है, कहावत है कि जनता है सब जानती है, और शायद जनता अब समझ चुकी है कि 2024 बहुत करीब है, और जनता का साफ तौर पे मानना है कि सिर्फ गैस पे नहीं, अभी और चीज़ों पे दाम कम होंगे, लेकिन बाद में जैसे इलेक्शन हो जाएंगे वो दाम दुगने से तिगने हो जाएंगे, मतलब जनता समझ चुकी है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं है अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।